हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। एक्सिस बैंक ने अपना न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है बहुत अच्छे बेनिफिट्स के साथ आता है, तो इस वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट्स बताने वाला हूं। अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। एंड लास्ट में बताऊंगा इस कार्ड के बारे में मेरा रिव्यू क्या है। तो लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। जैसा कि इस क्रेडिट कार्ड के नाम से ही पता चल रहा है, एटलस, यानी कि ये जो क्रेडिट कार्ड है स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ट्रैवल के लिए, ताकि आप पूरा ग्लोब इस क्रेडिट कार्ड के साथ घूम सके, तो उस पर आप बहुत सारे बेनिफिट्स अर्न कर सकें। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक्सिस बैंक के 3 क्रेडिट कार्ड हैं, वो भी लाइफ टाइम फ्री मिल रहे हैं अभी कुछ टाइम के लिए, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस क्रेडिट कार्ड से जैसे ही आप इशू होने के बाद थर्ड ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके 60 दिन के अंदर आपको 5000 एज माइल पॉइंट्स जो है वो मिल जाते हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये 3 टीयर्स कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। डिफॉल्ट जो कैटेगरी आपको मिलेगी वो आपको सिल्वर मिलेगी, उससे ऊपर गोल्ड है एंड सबसे ऊपर है प्लेटिनम। तो ये जो कैटेगरीज हैं इनको अवेल करने के लिए आपको एक साल में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो स्पेंड करना होता है। तो अगर सिल्वर टीयर के बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताऊं, तो जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड का एनुअल फी पे कर देते हैं, तो इस पे आपको एनुअल फी पे करने पे 2500 जो एज माइल पॉइंट्स है एज अ एनुअल बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। एंड इसी के साथ 3 लाख रुपीज़ जैसे ही आप स्पेंड किए जो प्रीवियस ईयर में किया था आपने, तो उस पे आपको माइलस्टोन बेनिफिट 2500 जो एज माइल पॉइंट्स है उनका मिल जाता है। तो टोटल आपको एक साल में 5000 एज माइल पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे। सिल्वर टीयर में 4 times आपको इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस फ्री मिलेगा एंड 8 times डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस जो है आपको फ्री मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं गोल्ड टीयर के बारे में। तो ये पहले साल से आपको नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर से। इसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर है उसमें 7.5 लाख रुपीज़ जो है वो आपको स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये अमाउंट स्पेंड कर देते हैं और अपना जो एनुअल फी है वो पे कर देते हैं, तो इस पर आपको डबल बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट बेनिफिट जो माइलस्टोन बेनिफिट होगा उस पर 5000 एज माइल पॉइंट्स मिलेंगे, एंड जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड का एनुअल फी पे करते हैं तो उस पर भी आपको 5000 जो एज माइल पॉइंट्स है वो एज अ एनुअल बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। गोल्ड टीयर में आपको 6 times इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस करने का मौका मिलता है फ्री में, एंड 12 times आप डोमेस्टिक लेवल पे अपना एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस फ्री इस कार्ड से कर पाएंगे। इसी के साथ गोल्ड टीयर में आपको 2 times मीट एंड ग्रीट जो सर्विस है एयरपोर्ट पे वो फ्री मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप प्लेटिनम टीयर लेना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर में जो है कम से कम 15 लाख रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप ये 15 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो इस पे आपको 10,000 एज माइल पॉइंट्स जो है वो मिल जाते हैं, एंड जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड का एनुअल फी है उसको पे कर देते हैं तो उस पे भी एनुअल जो बेनिफिट्स हैं उसमें भी आपको 10,000 एज माइल पॉइंट्स जो मिल जाएंगे। यानी कि एक साल में आप कम से कम इससे 20,000 जो है एनुअल और माइलस्टोन बेनिफिट से अर्न कर सकते हैं। एनडीसी के साथ इस पे 4 times आपको मीट एंड ग्रीट जो सर्विस है एयरपोर्ट पे वो फ्री मिलेगी, एंड 2 times एयरपोर्ट पिकअप सर्विस जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री इस क्रेडिट कार्ड पे जो प्लेटिनम टीयर मेंबरशिप है इस पे आपको मिल जाती है। प्लेटिनम टीयर में आपको 12 times इंटरनेशनल जो लाउंज एक्सेस है वो फ्री मिलेगा, एंड डोमेस्टिक पे आपको 18 times जो है इस क्रेडिट कार्ड से आप एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस फ्री कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस पे आपको 1x जो एज माइल्स पॉइंट्स है वो मिल जाते हैं 100 rupees स्पेंड करने पे। इसी के साथ जब इस क्रेडिट कार्ड से आप एयरलाइंस पे या फिर एक्सिस बैंक का जो ट्रेवल पोर्टल है उस पे जाके स्पेंड करते हैं, तो इस पे आपको हर 100 rupees स्पेंड करने पे 5x एज माइल्स पॉइंट जो है वो मिल जाते हैं। एंड इसी के साथ जो एलिजिबल 4x ट्रांजेक्शन इस क्रेडिट कार्ड से आप करेंगे तो हर 100 rupees स्पेंड करने पे आपको 2x एज माइल पॉइंट जो है वो मिलेंगे। अगर इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग और एनुअल फी के बारे में मैं आपको बताऊं, तो 5000 rupees इसका ज्वाइनिंग फी है एंड 5000 rupees ही इसका एनुअल फी है। एंड अगर इसके फाइनेंशियल चार्जेस के बारे में बात करें तो 3.60% का पर मंथ का जो फाइनेंशियल चार्जेस है वो आपको इस क्रेडिट कार्ड पे देने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि आप अपने ड्यूज को पूरा का पूरा पे कीजिए, मिनिमम पेमेंट करके मत छोड़ दीजिए, टोटल सेटलमेंट कीजिए ड्यू डेट से पहले ताकि आप इन चार्जेस को अवॉइड कर सकें। अगर इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊं, तो मिनिमम आपकी जो एज है
वो 18 होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 70 होनी चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड को आप कार्ड टू कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन किसी भी चैनल से आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर पाएंगे। एंड अगर आपके पास पहले से एक्सिस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप कस्टमर केयर में कॉल करके इसको अपग्रेड भी करा सकते हैं। वैसे जो इसका इनकम क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो पर एनम आपकी जो सैलरी है वो 9 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, एंड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो मिनिमम आपका जो इनकम है वो 12 लाख रुपीज़ पर एनम होना चाहिए। बट दीज आर जस्ट इंडिकेटिव, कम होगा तो भी मिल जाएगा। अगर इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये ट्रैवलर्स के लिए अच्छा क्रेडिट कार्ड है, एंड अगर आप ट्रैवल नहीं करते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को मत लीजिएगा, आपके लिए इतना बेनिफिशियल ये क्रेडिट कार्ड नहीं होगा। फिलहाल जो है एक्सिस बैंक के 3 क्रेडिट कार्ड जो इंडियन IOCL एक्सिस बैंक है, फ्लिपकार्ट है एंड माईजोन क्रेडिट कार्ड है, ये लाइफ टाइम फ्री मिल रहे हैं अंडर ऑफर। स्क्रीन पे वीडियो है, इसको भी जाके देख लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखना चाहते हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।